ये क्या हो गया भाई? हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो एग्जाम से पहले एक व्लॉग बनाना तो बनता है, थोड़ा सा एग्जाम से पहले चिल करते हैं एंड फिर कंटिन्यू स्टडी करते हैं। तो आज गाइस हम जाने वाले हैं माहुनाग। मतलब वैसे तो यहाँ पे माहुनाग हम काफ़ी बार चले गए माहुनाग, और मैं अभी 2-3 दिन पहले माहुनाग था, बट फिर यहाँ पे कोई प्लेस घूमने को नहीं है, चिल करने को प्लेस नहीं है। तो फिलहाल हम अभी माहुनाग जा रहे हैं। तो मैं जा रहा हूँ, एक आदर्श जा रहा है और एक पीयूष भाई जा रहे हैं, और शायद आदर्श भाई, पीयूष भाई, शर्म, अभी तो हम तीन का ही है, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो मैं फटाफट से रेडी होता हूँ, फिर आपको मिलते हैं। सो ऑलराइट यार, अभी मैं रूम से निकल गया हूँ, उनके पास जाना है, और अभी शायद हम तीन ही लोग हैं मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी देख के पता लग जाएगा। वैसे तो यार माहुनाग हम पहले बहुत बार गए, अभी भी, जस्ट बिकॉज हमें ना थोड़ा एग्ज़ाम से पहले चिल करना था, फिर क्योंकि फिर एग्ज़ाम के टाइम में काफ़ी ज़्यादा बर्डन पर जाता है, तो सोच रहे थे कहीं जाना, बट यहाँ पे कहीं प्लेस है ही नहीं जाने के लिए। तो फिलहाल अभी माहुनाग ही जा रहे हैं, क्योंकि वो ना ठंडा भी एरिया है। वैसे हम पहले तत्तापानी जाने का प्लान कर रहे थे, बट तत्तापानी ऐसा है कि वहाँ पर ना गर्मी यार बहुत ज़्यादा है तत्तापानी सुनने में। तो अभी हमारा प्लान है कि हम फिलहाल माहुनाग ही जाएंगे, और वहाँ पर ठंडा भी है, बाकी जो वहाँ का व्यू है ना भाई, अल्टीमेट है। तो चलते हैं और फिर आपको वहाँ का व्यू बताते हैं। गाइस अभी अपने पीयूष भाई आ गए हैं, और अभी हम लोग चलते हैं। तो चलो भाई, मोड़ लो। कैसा है तू? तो फाइनली यार अभी हम लोग निकल पड़े हैं। तो चलते हैं। तो जब भी हम पहुँचे हैं पखरौट, हनुमान जी की मूर्ति है यहाँ पे, और इधर अभी पहुँचे हम, और इधर से भाई सब क्या व्यू आता है करसो का, अल्टीमेट व्यू। बाकी आपको चिंडी से भी दिखाते हैं, उधर भी हम रुकेंगे। अभी तो चलो इधर रखना, फिलहाल चिल करते हैं। जब भी हम पहुँचे हैं चिंडी माता टेंपल, और ये मतलब जब आप माहुनाग को जाएंगे तो रास्ते में आपको पड़ेगा, तो फिलहाल यहाँ पर चलते हैं। और यहाँ पर ना मतलब काफ़ी बढ़िया टेंपल है ये, और इधर ना एक ये भी है, इसमें पानी रहता है। अभी इसमें नहीं है, जब बरसात होती है तो उस टाइम ना इतना इतना फुल रहता है ये, अभी तो बिल्कुल सूख गया, और गर्मी में तो और बिल्कुल ही सूख जाएगा। तो अभी यहाँ पे दो मूर्तें बनी हैं, तो फिलहाल अभी वापसी में रुकते हैं यार। अभी ना पीछे एक अंकल गिरे स्कूटी वाले, और हमने वो सीन मिस कर दिया, अगर वो सीन होता तो फिर थंबनेल बन जाता बढ़िया वाला। तो चलो, हाँ वैसे अभी हम पहुँचे हैं माहुनाग स्कूल, ये माहुनाग स्कूल और ये यहाँ का ग्राउंड, और अभी ये दो लौंडे। तो अभी हम यहाँ से ऊपर है, अभी मंदिर तो काफ़ी ऊपर है, अभी ऊपर चलेंगे। बाकी यहाँ कुछ लोग अभी गाड़ी सीख रहे हैं, नहीं कि लड़की को गाड़ी सिखा रहे हैं यहाँ पे। वैसे अभी हमारे साथ पीछे एक सीन हो गया था, एक जायलो वाला था गाड़ी वाला, उसने हमारे को दिया पास, मतलब उसने ना कर्ब में हमारे को पास दिया, और फिर बोलता है कि हमने उसको बोला कि भाई कर्म में कौन पास देता, और बंदा बोलता है कि अब तो बोले ये तुम्हारी मर्जी, तुमने जहाँ मर्जी पास लेना। ये क्या था यार, HP 21A नंबर करके कुछ ऐसा था है। तो पहाड़ों में ना जो है मैदान वाले लौंडे होते हैं, उनको पहाड़ों में गाड़ी चलानी नहीं आती है। जब भी हमारे पीयूष भाई आगे गए हैं, और हमारे पीयूष भाई की बाइक में, तो पीयूष भाई की बाइक ले गए हैं अपने, ये वो देखते हैं। ओ यार ये क्या हो गया भाई, ओ यार ये क्या हो गया, ये क्या हुआ यार, लगी तो नहीं यार भाई, चलो नहीं नहीं चलो उठाते उठाते इसको पकड़ो भाई यार, यार लगी तो नहीं भाई, छोटा मोटा ज्यादा कुछ नहीं है,
चल कुछ नहीं आ रहे तो होता है। यहाँ से कहाँ से निकला है ये, कहाँ से निकला पता नहीं, समझी ना रही बात कहीं। चलो इसको देखते हैं। तो गाइस अब ये स्टार्ट ही नहीं हो रही है इसमें यार, चलो क्या कर सकते हैं। हाँ चलो थोड़े से स्क्रैच आया यहाँ पे, और ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, नुकसान नहीं, बस थोड़ा बहुत ही है। मूल माओ नाग जी का मंदिर जो कि राजा का रहना है, और ये अपने दो लौंडे। तो चलो चलते हैं, फिलहाल अंदर चलते आपको दर्शन करवाते हैं। तो गाइस ये है श्री मूल माओ नाग जी, जो कि मेन मंदिर है जहाँ पे अंदर मूर्ति वगैरह होती है। तो एक ये है, एक ये है, बाकी दो उधर है उनको भी दिखाता हूँ, एक यहाँ और एक यहाँ पे है, मतलब टोटल चार। और कुछ यहाँ पे देवते, मतलब कि पहाड़ों में ऐसे देवते ही होते हैं कई टाइप के। तो गाइस ये है मूल माओ नाग जी का मंदिर, बखारी बोलते हैं यहाँ को वैसे तो, राजा करण जी और ये पीयूष भैया की फोटोग्राफी। बाकी यहाँ से व्यू मस्त है, वो देखो ना उधर 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 एक दिख रहा आपको मंदिर, ये वाला ये वाला ये वाला। तो यहाँ पे हम गए थे, इसका व्लॉग तो आपने देख ही लिया होगा एक साल पहले। वो है करसोग, वो मतलब जो ये वाली पहाड़ी, इस वाली पहाड़ी का अपोजिट में करसोग, और ये यहाँ का कुछ व्यू। और वो यहाँ से ये टोटली जंगल है वो भी, एंड उधर कुछ गांव, और उधर का जो उधर एक छोटा सा मंदिर है ना मौनाक जी का, तो उधर मैं गया था। तो वो जो सामने मंदिर है छोटा सा, ये हम गए थे एक दिन ट्यूशन सेंटर से ट्रिप बनाया था हमने, तो वो व्लॉग आप देख लेना अगर नहीं देखो, चैनल पे चेक करो, आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बड़ी मस्त जगह है, बाहर चलना अभी चलो, कभी और चलेंगे वो जो पार सामने। तो कभी और चलेंगे उधर, और उधर से जो व्यू है ना, पत्थर ही पत्थर, मतलब बिल्कुल क्लीन पहाड़ी, जैसे यहाँ पे इस पहाड़ी में पेड़ ही पेड़ है, उधर बिल्कुल क्लीन है। तो ये लगे यहाँ पे LED लाइट्स, रात को जब चलती है ना अल्टीमेट दिखता है उस टाइम। तो बाकी ये पूरा मंदिर है यहाँ का। तो वो सामने वाली पहाड़ी ना धमून है, जहाँ पे हम गए भी थे अदर्स लौंडिया के साथ। चलो दर्शन वर्शन मस्त हो गए, अभी चलते हैं वापस, और अब राइड थोड़ा सा इंजॉय करते हैं, क्योंकि हम वापसी में तो जल्दी जल्दी आए थे, बट जाना हमारे को आराम से, खाते पीते जाएंगे। तो चलो चलते हैं, चले भाई लौंडिया, चले लौंडिया। फोटो खींचने का स्टाइल है। उधर है कुन्नू वाली धार भी, ये वाली पहाड़ी, ये वाली, इधर हम जाएंगे, इधर आपको कभी ले नहीं गए। बाकी चलते हैं जरा, एग्जाम के बाद चलेंगे इधर, बड़ा मस्त है यहाँ से व्यू। ऐसा है रे। ले भाई। तो फिलहाल यार इधर फोटो ले ली, दर्शन हो गए, अब चलते हैं वापस। नम ना राम साम से, है ना, राम राम से चलते अब। राम से चलेंगे और क्या अपने, अब चिल करते करते। जी है श्री मूल माओ नाग मंदिर बखारी कोठी, बाकी इसके मूल माओ नाग जी के काफी ज्यादा मंदिर हैं, तो मेन मंदिर यही है ये देखो। तो अभी हम खा रहे इधर मस्त चाट। अभी हम लोग चल पड़े वापस, और मौसम भी ना डेंजर हो रखा है यहाँ पे, मतलब ना जो माओ नाग वाला एरिया है उधर से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ बारिश आ गई तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा।
सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी। तो गाइस अभी पहुंचे हम चिंडी रेस्ट हाउस में और यहाँ पे काफी बढ़िया ना, मतलब एक छोटा सा टूरिस्ट प्लेस ये भी है और मस्त मस्त है ये भी। तो गाइस इधर चलिए फोटोग्राफी और अब चलो निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस दही ने उन्होंने कर दिया है फिलअप तेल का और अभी हम कसोक वापस पहुंचने ही वाले हैं। बहुत अच्छा व्यू यहां पे, बहुत ही अच्छा व्यू, अभी आगे से और अच्छा व्यू आएगा। भावे ना किस्मत मंजूरी ना दे तू ही मन को भावे हां, परदेसी बिना तेरे शहर की गलियां सुनी। चल ठीक है फिर मिलते हैं, मैं इधर से परे से नीचे। चल ठीक है, ठीक है। चल पीयूष आदर्श तो गए घर और मैं भी निकलता हूँ फटाफट से, क्योंकि अपने थोड़ा थक से गए, मतलब बाइक में थकान हो जाती है, टांगों में दर्द हो जाती है, तो सटपट निकलते हैं। तो फाइनली यार अब मैं घर पहुँच गया हूँ और अभी थोड़ा थक से गए हैं, पाँव में दर्द भी हो रही है, तो फिलहाल यार अभी रेस्ट करते हैं। तो होप करता हूँ आपको आज का ये छोटा सा व्लॉग पसंद आ, पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो गाइस जब आपको एग्जाम के बाद मिलेंगे एंड स्टे हैप्पी स्टे सेफ, तो मिलते गाइस आपको एग्जाम के बाद मस्त से व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।